अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारी क्यूरीज थी लोगों की मेरी जो टिकटॉक पे वीडियो और उसके अलावा जो यूट्यूब पे जो वीडियो थी टैक्सी के हवाले से जो मैंने इंटरव्यू किए थे दो तीन दफा लोगों के। और आज एक दफा फिर मैं आया हूँ उबर की, मैंने राइड बुक किया, एक काम से बाहर आया था। तो हमारे साथ है मोहम्मद शाहजहान भाई है और इनका तल्लक है जनाब बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और इनके साथ मैंने राइड बुक किया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाई, झूठ मूड का क्योंकि पहले हम सलाम कर चुके हैं। वालेकुम सलाम। तो शाहजहां भाई ये बताएं, आपका माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको कतर में? मेरे को कतर में 9 साल हो गए। 9 ईयर्स, 9 साल हो गए इनको। और आपका जो फर्स्ट जर्नी था, आप सबसे पहले कतर में किस काम में आए थे? पहले कतर में आया, आने के बाद वो दूसरा काम किया वो कंस्ट्रक्शन का ठीक है। मैं लाइसेंस पकड़ाया, बाद में लिमोजिन कंपनी में चेंज हुआ, बाद में ये गाड़ी में 5 साल 7 महीने में चला रहा है उबर का। 5 साल 7 महीने हो गए उबर में यही गाड़ी चला रहा है। गाड़ी कौन सी है? ये कैमरी है। और आपकी अपनी है या कंपनी की है? कंपनी में लोन में लिया, ठीक। लोन खत्म हो गया 2 साल का पहला। वेरी गुड। अभी मेरा अभी आपकी जाती हो गई है, आपके अपने शख्सी आपने नाम पे हो गया इस्तेमाल करके? नहीं है, पूरा कंपनी का नाम पे है, मेरा नाम पे हो गया तो ऑनलाइन नहीं मिलता है ना। अच्छा। अभी वो कंपनी लेकिन नाम पे कंपनी अभी महीने में जो भी वो कंपनी का फायदा है ना वो बनता है। सही है। एक चीज इसमें ये बताएं कि कंपनी के नाम पे ही रहेगी गाड़ी, आप अपने नाम पे नहीं कर सकते? नहीं, मेरा नाम पे गाड़ी आएगा वो भी उबर नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है, सेम कंपनी का नाम पे होता है। वो कंपनी का रेंट खलास होने के बाद वो मेरा साथ एक एग्रीमेंट किया, ठीक। वो महीने में उसको 250 देना मांगता है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपसे, मैंने एक तो पहले भी एक राइड बुक की थी, उसमें वो भाई कह रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ था कि कंपनी में हमने गाड़ी इसी तरह बात की हुई थी जबान के साथ, यानी पेपर वर्क नहीं था। नहीं है, मेरे पास पेपर दिया, वो कतरी है, कतरी बहुत अच्छा। वेरी गुड। कपिल का नाम डॉक्टर सलीम, बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, वो भाई मुझे कह रहे थे कि जो है जनाब हमने सिर्फ जबानी कलामी बात की हुई थी जो मैनेजमेंट थी उनके साथ, और उन्होंने बात की थी कि भाई ये गाड़ी इतने साल चलाओगे तो उसके बाद आपकी हो जाएगी, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा वो प्रैंक हो गया था वो, इस वजह से कि जब वो साल पूरे हो गए तो मैनेजमेंट चेंज हुई और बंदे इधर उधर हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सी गाड़ी और कौन सा कुछ। इसलिए जब भी आप कोई काम करें उसके लिए पेपर वर्क जो है उसको करना चाहिए। वो मेरा कतर ये बहुत अच्छा आदमी है, दूसरे का बात नहीं बोलता है, मेरा कपिल बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरे को बना दिया एग्रीमेंट उसके साथ खलास होने के बाद, बोला ये गाड़ी तुम्हारा है, मेरा आईडी का नाम लेकर गाड़ी का नंबर लेकर वो पर मंथली उसको स्टिकर का देना मांगता है 250। सही है, पर मंथ बस। आप उसको 250 रियाल अभी दे रहे हो या पहले दे रहे थे? नहीं नहीं, महीने खलास बाद में लेता है। अभी आप नहीं दे रहे हो पैसा कंपनी में? नहीं नहीं, वो स्टिकर का दे रहे हो ना? हाँ, स्टिकर का 250 रियाल आप पर मंथ का दे रहे हो क्योंकि गाड़ी आपकी अपनी हो गई है। तो पहले जब ये किस्तें इसकी कंप्लीट नहीं थी तो आपकी पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी दी, आप कितना दे रहे थे उस टाइम में? पर मंथ में दिया उसको 3300 पर मंथ का। पर मंथ का और कितने साल तक दिया आपने? 3 साल दिया। 3 साल तक 3300 इन्होंने दिया जनाब, और 5 साल के लिए तीन साल के लिए। और उसमें इनकी जो है वो गाड़ी की कीमत पूरी हो गई, तो उसके बाद गाड़ी इनके नाम यानी कि इनकी हो गई है एग्रीमेंट करके, और अब ये कंपनी में चला रहे। अच्छा, ये तो आपका जर्नी हो गया, जो आपने गाड़ी ली हासिल की कहाँ से आए ये बातें तो इसमें क्लियर हो गई। अब ये बताएं कि आजकल उबर का काम कैसा है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, जो आदमी ओवर का ट्रिप कैंसिल नहीं करता है उसको ओवर ज्यादा ट्रिप डालता है, सही। आदमी कैंसिल करता है उसको नहीं देता है, सही। जिसका रीडिंग अच्छा है उसको ट्रिप भी अच्छा मिलता है, जिसका रीडिंग भी नहीं है कमती है उसको ट्रिप नहीं देता है। सही है। और एक चीज इसमें यह ऐड कर दें कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, मसलन मिसाल के तौर पे बच्चे लोग बड़ा छुट्टी गए हुए हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त छुट्टी पे हैं, ईद की छुट्टियां काटने के लिए अपने अपने मुल्कों में गए हुए हैं, तो इसमें आपका काम तेज है, कम है, दरमियाना है, कैसा है गाड़ी का काम? ये ट्रिप वगैरह ज्यादा आते हैं, मीडियम आते हैं या बहुत कम आ रहा है? नहीं, वो सेम आता पैसेंजर है। सेम पैसेंजर आता है, पैसेंजर आपका बिल्कुल बराबर है, कोई उसमें कमी नहीं आई है, कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एवरेज आप अगर बताना चाहें कि डेली की आपकी कितनी इनकम है, उसमें से खर्चा कितना निकल जाता है, बचत कितना होता है? मेरे को अभी पूरा मंथली में मैं काम करेगा
पूरा मंत्री के पूरा खर्चा बाद में, पेट्रोल का, मेरा खाना का पूरा बाद में, अभी मैंने खलास होने के बाद 6,000 मिलता है सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहला ज्यादा मिलता है, ठीक है। अभी खेला के बाद 6,000 मिलता है मेरे को। ये 6,000 में आपने क्या क्या ऐड किया है? इसमें कुछ भी ऐड नहीं है आपका? रूम पूरा बाद में, ये रूम निकाल दिया, खाना निकाल दिया, निकल दिया खाना निकल दिया, 250 रियाल कंपनी का दे दिया, पेट्रोल का निकाल दिया, पेट्रोल निकल देने के बाद महीने में मेरे को 6,000 रहता है। भाई साहब, गाड़ी अगर आपकी अपनी है, अगर आपने दिल लगा के काम करना है, अच्छे से काम करना है, तो पैसे आप कमा सकते हैं। एक चीज इसमें और आप मुझे बता दें, बहुत सारे लोग अब मुझे इसमें वीडियो में लिखेंगे कि ये बंदा सही नहीं कह रहा है, इसके इतने पैसे नहीं बनते, हमारे को इतने पैसे नहीं बनते, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? झूठ बोलने का फायदा नहीं है। मैं ओवर चलाएगा, 12 आवर ओवर चलाएगा आपको, 12 घंटे, 12 घंटा में ये कान खोल के सुन रहे आता है, 250 रियाल ओवर में आता है, बाद में बाकी मिलता है, दूसरा रूट में आदमी मिलता है, फिर भी मेरे को क्वालिटी पे वो आदमी मिलता है। आपके अपने बंदे भी हैं, अपने कस्टमर भी हैं? हाँ, कस्टमर भी है, परमानेंट कस्टमर, दो कस्टमर है, कस्टमर मंसूरा से वो इंडस्ट्रियल एरिया दुहा इंश्योरेंस, इधर आता है जाता है, वो देता है मेरे को 40 रियाल। दूसरा कस्टमर जाता है होम चला। यानी आपका कहने का मकसद यह है कि उबर का आपका जो काम है वो तो काम है, लेकिन उसके अलावा जो आपने अपने कस्टमर्स बनाए हुए हैं, उसमें आपको ज्यादा फायदा है? हाँ, उसमें ज्यादा फायदा है। ठीक है, अभी उबर में 12 घंटा काम करेगा आपको 200 रूपया आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, वो निशान के पास रुपए। अच्छा, दूसरा आएगा, सही है, 200 से 50 रियाल का आपका पेट्रोल खर्चा है, बाद में अलग जो काम करता है उसमें खाना का, घर का रेंट बाद में मिलता है, पूरा मिलता है, झूठ बोलने का फायदा नहीं है। सही है। अच्छा, इसमें कोई चीज आप और ऐड करना चाहें जो लोग ये काम करना चाहते हैं या इस काम में आना चाहते हैं, इसमें आप अपनी तरफ से क्या बात इसमें और ऐड करना चाहें जो मैं आपसे सवाल नहीं कर सका? नहीं, जो भी आदमी आएगा तो आएगा, मुश्किल नहीं है। बेहतर चीज क्या है कि अपनी गाड़ी लेके चलाएं या कंपनी की गाड़ी लेके चलाएं? लाजिम कंपनी का गाड़ी में खरीद करने के बाद में कंपनी को देना मांगता है, नहीं दिया करते ऑनलाइन नहीं मिलता है। ये तो इसका कानून है ना। हाँ, लेमोजीन का कंपनी के नाम पे गाड़ी होगी, आपके काम पे नहीं, आपके नहीं नाम आता है। सेम इस्ते मारा, सेम कंपनी इस्ते मारा, आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस सेम कंपनी मांगता है, दूसरा हो जाएगा तो वो ओवर नहीं चालू होता है। सही है जनाब, बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो गई हैं और आपके बहुत सारे जो सवाल थे वो उम्मीद है आप जवाब मिल चुके होंगे आपको इसमें, और अगर कोई और भी सवाल है तो वो भी इसमें आप लिख दें, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब किसी के साथ हम राइड करेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा बात सुनिए, मैं गाड़ी ने निकल गया, वो काम नहीं करेगा तो मेरे को पैसा नहीं आता है, लाजिम घूमना बनता है। जो भी ओबर का कस्टमर ओबर ऑफिस में बुक देता है ना, कस्टमर का नजदीक जो गाड़ी है उसको ओबर वाला डालता है, लाजिम घुमाना बनता है, एक जगह में बैठेगा अभी ट्रिप नहीं आता है। सही है, उसमें आपको घूमना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी एडुकेशन सिटी में गया, उधर से नजदीक में था, घूम के आया इधर है, इधर आने के बाद आप बुकिंग डाल दिया, मिल गया इंशाल्लाह। सही है, अभी इधर नहीं बैठेगा, मैं घूमना मांगता है ओबर का, लाजिम घुमाना मांगता है। सही है, बस यही चीज है कि इसमें घूमना पड़ता है, आपको एक जगह पे रुके रहेंगे तो काम आपको नहीं मिलेगा। वो परिंदों की मिसाल ले लेना कि सुबह जब होती है तो इंसान भी निकलते हैं, लेकिन इंसान थोड़े आराम से निकलते हैं, फजर के वक्त के बाद जब आपने परिंदे देखे होंगे कि कैसे वो अपने रिजक की तलाश में निकलते हैं, और वो वक्त भी होता है रिजक की तकसीम का। अगर आप आके सो के 10-12 बजे उठेंगे तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपके नसीब में थोड़ा बहुत जो होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और दिल लगा के काम करेंगे तो आपको रिजक अल्लाह ताला की जात के पास है, वही देने वाला है। इंसान किसी का रिजक ना ले सकता है, ना किसी को दे सकता है, तो मेहनत आपने खुद करनी है, उसका फल अल्लाह देगा। और अब वीडियो बंद कर दें या कुछ और बात भी आपने इसमें शेयर करनी है? वीडियो काफी लंबी हो गई है, 9-10 मिनट की हो गई है तकरीबन, 9 मिनट की तकरीबन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मेरे साथ बातचीत की। अगर आप अपने बंगाली में कुछ लोगों को कहना चाहते हैं तो चलो वो भी आप कह दें। नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।